आकांक्षा की व्लॉग। और आज का दिन सबके लिए बहुत अच्छा है, शायद किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे लिए आज का दिन है बहुत ज़्यादा थकन वाला, क्योंकि आज मुझे दिया है हमारी मामा ने किचन डे चैलेंज। आज सारा दिन मुझे किचन के सारे काम करने। मम्मा जी, यार एक चीज आप बना लो ना। नहीं, सारा काम आप ही करोगी, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। यार मम्मा थोड़ी सी तो बस आप ही बनाओ। रियायत बिल्कुल भी नहीं। फजूल में मेरे साथ देख रहे हैं हम लोग, कितनी नाइंसाफी हो रही है। चार पड़ी हुई है लेकिन गाली करती है मेरे से घर आते हैं। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं किचन में और हमने खुद को कर लिया है रेडी। तो हम शुरुआत करते हैं नाश्ता बनाने से। तो अभी हम सबसे पहले रखते हैं चाय बनाने, क्योंकि हमारा नाश्ता लाइट सा होता है, सिर्फ चाय बनती है, उसके साथ ब्रेड या फिर जो ना रक्स या कुछ भी खा लेते हैं। तो लेट्स गो एंड गो। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी चाय में आने वाला है उबाल, और उसके बाद फिर हम उसको थोड़ा देर पकने के बाद उसको निकाल लेंगे और दे देंगे घर वालों को कि लो पियो खाओ ना। सो गाइस, हम लोगों ने चाय बना ली है और अब हम इसे अंदर लेकर जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, फिर बाकी का काम दोबारा। चाय तो हमने बना ली है और चाय यहाँ पर रेडी है, और अब हम लोग लेकर जा रहे हैं अंदर की तरफ। अब उठ जाएं, अब जल्दी उठ जाएं यार। इशी सुबह हो गई है, उठ जाओ। कितनी सोतू इंसान हो तुम यार, हर वक्त सोती रहती हो। इसकी तो सुबह ही नहीं होके दे रही है यार मम्मी। उठो बेटा, सब उठ गए, बस यही है लॉर्ड गवर्नर पड़ी हुई सो रही है अभी तक। सो गाइस, ये मेरा नाश्ता हो गया है रेडी। मैंने कर लिया था चाय और एक पापा, बस। तो अभी हम ये नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं। आशु आज हम लस्सी भी बनाने वाले हैं ना। आज हम दोपहर के खाने में बनाएंगे बेसनी रोटी, और उसके साथ हम लोग बनाएंगे लस्सी। तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और अभी फ़िलहाल हम लोग नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर मैं अपना जो प्रोसेस है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस, हमारा नाश्ता वाश्ता हो गया है और अब हमारे नाश्ते के बाद उठी है हमारी सबसे बड़ी घर की। कैसे करते हैं हम? हेलो गाइस। सो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं यार मैं हमेशा नाम भूल जाती हूँ इसका, बेसनी रोटी। और उसकी रेसिपी तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर करूँगी, और अभी उसके जो ना प्रिपरेशन करना सर शुरू कर रही हूँ। इशी आओ ना यार, तो चलो करते हैं फिर। तो ये हमने आटा और जो है ना बेसन मिक्स करके ले लिया, और ये थोड़े से जो है ना हमने इंग्रीडियंट्स डालना है, हमारे पुदीना है, हरी मिर्च है और प्याज है। तो अभी हम इसको चॉप करके इसके अंदर डालेंगे, और बाकी इसके बाद थोड़ी सी स्पाइसेस डालेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा आटा गुन चुका है और अब हम लोग बनाने लगे हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। रोटी आप पराठे बना रही हैं? हाँ जी, आज चैलेंज दिया है मामा ने मुझे, किचन चैलेंज। इसमें मुझे सुबह नाश्ता भी बनाना था, अभी ये बना रही हूँ, रात को बनाएंगे हम कोफ्ते। रोटी बना ली है और अब हम लोग सबको खिलाएंगे और लेंगे सबसे रिव्यू कि कैसी बनी है ना इम्मो? आज हम लोग को बड़ा प्यार आ रहा है, गला दबा की पपिया कर रही है। हम लोग छोड़ो यार, बस। तो गाइस, हम लोगों ने दे दिए इन लोगों को खाने के लिए, अब हम इनसे रिव्यू लेते हैं कि कैसे बनी। मम्मा खाओ और बताओ कैसी बनी है। बहुत मजे की है, वेरी गुड। और इशी बताओ यार कैसी।
सबको अच्छी लगी और अच्छे रिव्यूज मिल गए। अब रात के खाने की तैयारी करते हैं, उससे पहले हम बनाएंगे लस्सी, क्योंकि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं लस्सी पीऊंगी। चलो आशु उठ जाओ, लस्सी बनाने के लिए ये हेल्पर रखा हुआ है मैंने। सो गाइस, लस्सी के लिए हम लोगों ने इसे ले लिया है दूध, दही और चीनी। तो अब हम इसको लगे हैं बनाने। हमने इसके लिए बर्फ़ जमा के रखी थी, तो अब हम इसमें बर्फ़ भी ऐड कर रहे हैं। यार ये देखो कितनी प्यारी लग रही है दिखने में, मज़े मज़े की। अभी इसको बस थोड़ा सा और पीसना है, क्योंकि इसमें हमने बर्फ़ और ठंडा पानी ऐड किया। सो गाइस, लस्सी बन चुकी है और अब हम लोग ने क्यूब्स अलग से जो जमाए थे वो पहले हम डाल रहे हैं ग्लास में, और ऊपर से लस्सी डालेंगे ताकि बहुत चिल बने। और जिसकी भलाई जमी है वो हम ऊपर से सर्व कर देंगे ग्लासेस के ऊपर। सो गाइस, लस्सी का फाइनल लुक देखें आप, कितनी यमी दिख रही है। और बस अब इसको हम पीने वाले हैं। हाय हाय, मजे का, यमी यमी। सो गाइस, हम लोगों ने रात के खाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, सब कुछ खा पी लिया इन लोगों ने दोपहर का, और मैंने भी लस्सी पी ली। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यम्मी दिख रही थी वो। खैर, तो हमने अब रात की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, और उसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी निकाल लिए हैं। और मेरी सांस चल रही है क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत सेट नहीं है, थोड़ा सा पेट गड़बड़ कर रहा है। तो इसलिए मैंने वो पराठे जो बनाए थे बेसनी रोटी, वो मैंने खाई नहीं थी, इसलिए सिर्फ लस्सी पी थी। खैर, तो अभी जो मैंने प्रिपरेशन करें वो मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर उसके बाद जब वो बन जाएंगी बॉल्स कोफ्तों की, फिर मैं वो आपको दिखाऊँ। ये हमने ग्रेवी के लिए प्याज पीस के रख, और ये कोफ्तों में डालने के लिए जो मसाला बनाएंगे वो है, तो अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे। सो गाइस, जो भी पीसने वाला काम था वो हम लोग कर चुके हैं, और अब हम लोग इसकी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर बाद में हम बॉल्स बनाएंगे। तो अभी जो हमने ग्रेवी के लिए प्याज लिए, हम पहले उसको पतीली में डालकर उसको भुनाई करेंगे, और उसमें बाकी सारे मसाले ऐड करेंगे। और ये हमने जो कीमा है इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर रहे हैं, अब इसको मिक्स करके हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। जब तक यहाँ पे इसकी ग्रेवी तैयार होगी, इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए, अब इसकी ग्रेवी तैयार होगी, और इसको फिर भून के फिर इसके अंदर कोफ्ते ऐड करके बाकी और प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। और आपको एक बात और बताऊँ, हम इसमें ना आलू भी ऐड करेंगे, इस वजह से क्योंकि जो मेरा भाई है ना वो खाली कोफ्ते नहीं खाता, तो इसलिए इसमें आलू भी ऐड करने पड़ते। सो गाइस, हम लोगों ने कोफ्ते की बॉल्स कर लिए हैं, और अब हम इसको थोड़ी देर ठहराएंगे जब तक हमारा ग्रेवी जो है वो रेडी हो रहा है, तो फिर हम इसमें ऐड कर दें। ये हमारी ग्रेवी देखें कितने अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें ना कोफ्ते ऐड करते हैं और आलू ऐड करते हैं, और फिर मैं दिखाती हूँ। कोफ्ते की बॉल्स ऐड कर दी हैं, अब इसमें हम आलू डालते हैं, और उसके बाद हम ग्रेवी जो है ये वो बढ़ाने के लिए पानी डालें। सो गाइस, हमने आलू और सब कुछ इसमें ऐड कर कर पानी वानी डाल के तैयार करा है। अभी इसमें कॉल आएगी, फिर उसको हम पकाएँगे शोरबे, और जब ये सालन तैयार हो जाएगा तो इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, और फिर मेरा किचन डे यहीं पे होगा ख़त्म, क्योंकि आज सुबह से ही सारे किचन के काम ही कर जा रही हूँ मैं, आप लोगों ने देखा मेरे ब्लॉग में आज। और फिर जैसे इसके फाइनल लुक रेडी होता है सालन, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक के लिए आप लोग करें वेट। सो गाइस, देखें हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, और हम लोगों ने अपना चैलेंज कर दिया है पूरा। मामा, आज का मेरा कुकिंग चैलेंज कंप्लीट हो गया है, मैंने अपने सारे काम कर लिए ना सुबह से, आपने मुझे दिए हैं सारे। आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, देख लिया ना आपने, ये तो प्यारा लुक दिख रहा है उसका, चलो प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, दिखने में अच्छा है तो खाने में भी बहुत ज्यादा यम्मी होने वाला है ये। हाँ, पता है मुझे, मैं हूँ अच्छी कुक। ईशा, मैंने अपना कुकिंग चैलेंज पूरा कर लिया है फाइनली। फाइनली तो ऐसे कह रही हो जैसे
मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मैंने अपनी सारी चीज़ें करी हैं गाइस। चलें तो आज का चैलेंज हुआ कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जाएं मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रमशा का बाय।